पुराना प्रखंड कार्यालय समीप जीटी रोड जामताड़ा में शनिवार को मेट्रोपोलिस ब्लड संग्रह केंद्र का उद्घाटन जीप अध्यक्ष राकेश महतो, डुमरी रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश महतो, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो राजू, झामुमो नेता बरकत अली व राजकुमार पांडे आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। संचालक अशोक सिंह ने बताया कि प्रतिष्ठित मेट्रोपोलिस ऑथोराइज्ड कलेक्शन सेंटर में शरीर के विभिन्न बड़े जांच के लिए अब मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और इसी केंद्र में सभी जांच हो जाएगा। बताया कि पैथोलॉजी के क्षेत्र में मेट्रोपोलिस एक प्रतिष्ठित नाम है। बताया कि मरीजों को वाजिब दर पर सभी प्रकार की जाँच सुविधा इस केंद्र से प्रदान की जाएगी। आज मेट्रोपोलिस डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार का 6000 जांच शामिल है। जैसा कि अभी संचालक महोदय ने बहुत तरह का ब्रीफ करके हम लोगों को बताया कि ये जांच सेंटर यहां से खुलने से सैकड़ों किलोमीटर का लोगों का बचत होगा, भाड़ा की भी बचत होगा और समय का। और ये आपका जो धनबाद में जो जांच शुल्क जो लगता है उसमें भी थोड़ा सा कमी रहेगा। और ये गरीब क्षेत्र है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, तो इससे काफ़ी लोगों को सुविधा प्रदान होगा। मैं इस संचालक को और यहाँ पर काम करने वाले कर्मी को शुभकामना और बधाई देता हूँ। उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ कि बेहतर काम करें। हम लोग का आशीर्वाद बढ़ चढ़ करके रहेगा। धन्यवाद। हमारे देश के हिंदुस्तान का सबसे बड़ी मेट्रोपोलिस एक कंपनी है डायग्नोस्टिक सेंटर का, जो हमारे पूरे हर लोगों का जांच यहाँ पे हम लोग संग्रहालय करके यहाँ से अपने कलकत्ता ऑफिस को भेजेंगे। जो आपको पहले 2-3-4 दिन में रिपोर्ट मिलता था, अभी सारा रिपोर्ट आज देंगे, कल आपको मिल जाएगा। मुख्यतः इसमें सारे ऊपर ग्रेड का टेस्ट है जो आपको बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अब आपके इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग आए हैं आपकी सेवा देने के लिए। आपको सारे टेस्ट का परफॉर्म अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा और डॉक्टर को भी एक आशा मिलेगी कि अब हमारे क्षेत्र में मेट्रोपोलिस कंपनी आ चुकी है। जी, आज हमारे सेंटर का उद्घाटन जीप के अध्यक्ष राकेश महतो जी के द्वारा संपन्न हुआ और साथ में सारे पदाधिकारी लोग भी, सम्मानित व्यक्ति लोग भी उपस्थित थे।